स्टैंडर्ड 7 एक्सरसाइज नंबर 4.3। ओके, सॉल्विंग द इक्वेशंस अगेन, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि सॉल्विंग द इक्वेशन, दैट मीन्स इक्वेशन की जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस करके उसमें जो भी आपको कांस्टेंट दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो अभी देखो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्या दिया है, फर्स्ट में क्या दिया है, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 73 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो सिंपल चीज है, ये जो प्लस है ना प्लस, उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस 5/2 लिखेंगे। क्या, बोथ साइड माइनस 5/2। तो यहाँ पे भी माइनस 5/2, यहाँ पे भी माइनस 5/2, तो ये 5/2 ये 5/2 कैंसल। तो क्या आया, 2y इज इक्वल टू एलसीएम 2। तो एलसीएम 2 तो ऊपर क्या हो जाएगा, 37 माइनस 5। तो 37 माइनस 5 कितना होता है, 32 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आया आंसर, 2y इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको भी सामने ले जाना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2, ये जो पहले था वो, और ये भी आएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2। अब टोटल कितना हो गया, 32 डिवाइडेड बाय 4। कितना हो गया टोटल, 32 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 को इससे काटोगे आप, 4 8 जा, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर, 8। y इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर, 8। अगेन दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी बुक में लास्ट एग्जांपल दिया हुआ है इसी में, इस क्वेश्चन में, 2b डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। ये आपका एक लास्ट वाला एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये माइनस 5 है तो पहले माइनस 5 को रिमूव करना पड़ेगा। तो माइनस 5 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड प्लस 5। तो 2b डिवाइडेड बाय 3, ये माइनस 5 था तो माइनस 5 के साथ में प्लस 5, तो प्लस 5 यहाँ पे भी ऐड किया तो दोनों साइड आप ऐड कर सकते हो। तो प्लस 5 आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे भी प्लस 5 आ गया। अब माइनस 5 प्लस 5 दोनों कैंसल, तो क्या आया आंसर, 2b डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8। 3 बाय कितना हो जाएगा, 8। अब ये 3 मल्टीप्ली डिवीजन में सामने जाएगा तो किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, 2b इज इक्वल टू 8 इंटू 3, तो आंसर आ जाएगा 24। 2b क्या आया, 24। अब क्या करो, 2b 24 आया। अब हमारे रूल से चलते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में दिया है तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो। तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो 2b को भी 2 से डिवाइड करेंगे और 24 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 कैंसल, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 12। b इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, ये एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट करवाया और लास्ट करवाया। बाकी के जो एग्जांपल है ना वो इजी है, अपने हिसाब से ट्राई कर लेना। अब एग्जांपल एक्सरसाइज 4.3 के एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो उसमें फर्स्ट पे जाते हैं। फर्स्ट है 2x प्लस 4, क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 12। कितना है, 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो देखो मैंने ऐसा बोला था पहले कि जो x के पास में जो प्लस और माइनस में जो है ना उसको रिमूव करना, लेकिन x के पास में जो प्लस 4 है ना वो प्लस 4 के साथ में 2b मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो पहले आप ऐसे ही 4 की प्रोसेस नहीं कर सकते, पहले इसकी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन को दूर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे, किस से, 2 से डिवाइड करेंगे। तो करो तो 2x प्लस 4 वैसे का वैसा है, उसको भी 2 से डिवाइड करो, और यहाँ पे 12 है उसको भी 2 से डिवाइड करो। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये 2 6 जा, तो इसका आंसर आएगा 6। तो x प्लस 4 कितना आया आंसर, 6। x प्लस 4 का आंसर कितना आया, 6। बस अब हमारी सिंपल इक्वेशन हो गया ये। तो ये प्लस 4 है तो प्लस 4 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 4 यहाँ पे भी, तो माइनस 4 यहाँ पे लगाओगे तो माइनस 4 सामने भी लगाना पड़ेगा। तो x प्लस 4, ये माइनस 4 यहाँ पे भी लगाया तो माइनस 4 को सामने भी लगाना पड़ेगा, तो माइनस 4 हमने सामने भी लगाया। तो ये प्लस 4 है और ये माइनस 4, तो प्लस 4 से माइनस 4 कट जाएगा। तो x का जो आपका आंसर है वो 6 माइनस 4 मीन्स कितना आएगा, 2 आएगा। x का आंसर जो है वो कितना आएगा, 2 आएगा। वैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड ले लेते क्योंकि सेकंड और थर्ड सेम ही है। बट लेकिन यहाँ पे
माइनस है ना, तो ये माइनस वाला ले लेते। तो सी, सी में क्या है, 3n-5 = -21, ये आपको दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे कांस्टेंट क्या हुआ, n, कांस्टेंट है n, तो n के पास में जो है पहले उसको रिमूव करो, लेकिन उसको रिमूव करो पर देखो पहले कि वहां पे कुछ मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है तो पहले उसकी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ, इक्वेशन में 3 से पहले मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 को दूर करो, तो 3 को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों साइड 3 से डिवाइड करो, तो दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे तो 3n-5, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड किया और -21 उसको भी हमने 3 से डिवाइड किया, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 ऊपर नीचे कट जाएगा और 21 divided by 3, तो 3 7 जा, तो क्या आया n-5 = क्या आया -7, क्या आया n-5 = क्या आया -7। अगेन कांस्टेंट, कांस्टेंट के पास में माइनस साइन है, तो माइनस साइन वाले स्टेप को दूर करना है, तो प्लस, जितने माइनस साइन वाला है उतना ही प्लस वाला ऐड करो, तो n -5 है, तो -5 को दूर करने के लिए n का +5 दोनों साइड, तो n -5 भी है तो +5 यहाँ पे भी रखो और +5 यहाँ पे भी रखो, तो -5 + 5 दोनों को कैंसल, तो n = आ जाएगा -7 + 5, -7 + 5। ये आपने आगे पढ़ा होगा कि जब भी साइन ऑपोजिट होती है ना तो दोनों का सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। क्या, जब भी साइन ऑपोजिट होती है तो दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। लेकिन याद रखो यहाँ पे साइन किसकी आएगी, जो बड़ा होगा उसकी साइन आएगी, 7 और 5 में से बड़ा कौन है, 7, तो साइन किसकी आएगी, 7, तो 7 माइनस है तो आंसर भी माइनस, तो n = -2 आएगा, क्या आएगा n = -2।